11th क्लास में हम अभी तक जो चैप्टर 4 है उसकी थ्योरी पढ़ चुके थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ चुके थे, हम वेक्टर एनालिसिस कर चुके थे हम, ठीक है। तो अब हम उसी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के उन्हें देखेंगे, ठीक। तो जो हमारे पास एक कंसेप्ट भी है अलग से रेन और अम्ब्रेला के, जो कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट भी हैं और आईआईटी में और नीटो बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन, तो इन्हें आप समझ लेंगे, ठीक है। इनका कंसेप्ट क्या है, तो पहले इनका मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद जो एनसीईआरटी में 12 वाला क्वेश्चन है वो आया हुआ है तो उसे आप देख लेंगे, करेंगे समझाएंगे उसे भी, ठीक है। पहले कंसेप्ट देखेंगे कि इसी में ही आता हमारे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है, और इसी में आता हमारे पास एक कि अम्ब्रेला और रेन का क्या कनेक्शन है आपस में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वर है इस टाइप से बी, ये ऑब्जर्व करने के लिए है, और कोई एक बॉडी है हमारे पास ए, तो जो हमारे पास ए कोई बॉडी है जो हमारे पास मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे पास बी है वो कोई हमारे पास ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ठीक। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वर बी है, ठीक है, वो हमारे पास ए की कितनी स्पीड देखेगा या कितनी वेलोसिटी मेज़र करेगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि बी ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो हमारे पास लिखने का मेथड होगा वो हमारा ये होगा कि वी ए बी इक्वल वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, ये है, ठीक। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो बाद में लिखा जा रहा है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है वो हमारे पास स्टार्टिंग में लिखी जा रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो चीज़ मोशन कर रही है वो हमारे पास स्टार्टिंग में है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो हमारे पास बाद में लिखा जा रहा है, इसी टाइप से वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में हो सकता है, ठीक है, तो मोशन में भी रख सकते हैं। तो सपोज हम ऐसा कह रहे हैं कि रेस्ट में था, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि रेस्ट में है, इस बार हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सपोज कह रहे हैं कि हम वी ए जो है हमारे पास वो 15 मीटर पर सेकेंड कह लिए हमने, जो हमारे पास मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जर्वर है वो चल रहा है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप यहाँ कर सकते हैं इस टाइप से वी ए बी इक्वल, तो वही कंसेप्ट है कि पहले जो हमारे पास मोशन कर रही है बॉडी माइनस जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, 20, तो क्या होगा हमारे पास, आप इस टाइप से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो भी वैल्यू आपकी आएगी मीटर पर सेकेंड, ये है, ठीक है। तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों ही जो हमारे पास हैं कंसेप्ट, इसमें जो हमारे पास बॉडी ए है वो चल तो अर्थ पे ही रही होगी ग्राउंड पे, तो लिखने का हमारे पास ये मेथड होता है इसका कि जो हमारे पास बॉडी ए है उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है माइनस जो हमारे पास ऑब्जर्वर है उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, उनका डिफरेंस होता है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और निकाल किसके रेस्पेक्ट में है विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो हमारी अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ यानी ग्राउंड पे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब जो हमारे पास कंसेप्ट आता है रेन का, तो उसमें रेन में क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास रेन हो रही है, ठीक है, जो रेन का कंसेप्ट है कि रेन हमारे पास इस टाइप से होगी, वर्टिकली होगी रेन, तो आप जानते हैं इस टाइप से,
हम कह रहे हैं कि जो रेन हो रही है वो वर्टिकली हो रही है, परपेंडिकुलर एकदम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ऑब्जर्वर है हमारा, ये रेन है और ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो और ऑब्जर्वर रेस्ट मैच टाइप से भी, तो फिलहाल कोई खड़ा हुआ है यहाँ पर और रेन हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें जो वहाँ पर रुका हुआ है मैन है ना, मैन कह रहे हैं चलो आर एम, तो जो मैंने बताया था कि जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है भाई मैन ऑब्जर्व करेगा, ये हमारे पास मैन है ऑब्जर्व कर रहा है मैन, तो मैन क्या हमारे पास ऑब्जर्वर है, तो ये रुका हुआ भी है तो ये तो बाद में लिखा जाएगा। और जो मोशन हो रही है यानी कि रेन आ रही है, स्पीड होगी इसकी कुछ, वेलोसिटी होगी, वो स्टार्टिंग में लिखी जाएगी। तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला वी आर और माइनस का वी एम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, स्टेप से रहेगा वी आर एम, रेन है ठीक है, तो रेन की वेलोसिटी या स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मैन, मैन देखेगा ठीक है, ऑब्जर्व करेगा। तो क्या है हमारे पास, अब जो बारिश होगी होगी तो ग्राउंड पर, तो इसलिए लिख देंगे हमारे पास आर जी और ये हमारे पास एम जी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ग्राउंड पर होगी ना, और जो ऑब्जर्वर है वो भी हमारे पास कहाँ है, ग्राउंड पर ही है। तो अब अगर हम इसका वो देखें सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करें, यहाँ पर एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो वहाँ पर जो रेन आएगी वो निगेटिव एक्सिस में आ रही है, ठीक है, स्टेप नीचे को आएगी तो निगेटिव की ओर जा रही है। तो यहाँ तो होता है आई कैप, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस में, और यहाँ क्या होता है जे कैप, ठीक है, ऊपर को जे कैप प्लस में, नीचे को जे कैप माइनस में, इस तरह से माइनस का आई कैप, ये बताया था ना आपको, ये ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, ठीक है, और निगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का आई कैप, निगेटिव वाई एक्सिस में माइनस का जे कैप, ये बताया था। तो जो बारिश हो रही है हमारे पास रेन, वो वहाँ पर नीचे की ओर आ रही है, तो कंपोनेंट कौन सा होगा उसका, माइनस जे कैप का, ठीक है। तो यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, हम कह रहे हैं कि जो रेन की स्पीड है वो 20 है, 20 मीटर पर सेकंड से हो रही है सपोज, तो यहाँ के लिख रहा है हमारे पास 20 और नीचे की ओर आ रही है ना निगेटिव एक्सिस में, तो कितना रहेगा जे कैप विद साइन यानी कि माइनस, ठीक है, स्टेप से रहेगा माइनस। अब अभी क्या माना हमने, ऑब्जर्व को रुका हुआ माना हमने, तो ऑब्जर्व की स्पीड कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर होगा उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा जो अम्ब्रेला लगाएगा ऑब्जर्वर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, रेन से बचने के लिए। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो रेन की स्पीड आई हमारी निकल गया वो किस में आ रही है, स्टेप्स आ रही है हमारे पास नीचे की ओर, माइनस का आया टोटल निकल गया, कितना गया आंसर हमारा, माइनस का 20 जे कैप, यानी जे का कंपोनेंट है माइनस का, यहीं आ गया स्टेप से माइनस का, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी अम्ब्रेला से लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर और प्लस जे कैप डायरेक्शन में। तो अम्ब्रेला कहाँ लगेगा, वाई एक्सिस में प्लस में, ठीक है, रेन कहाँ की हो रही है माइनस में, परपेंडिकुलर लगाना पड़ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो यह आ जाएगा इसका आंसर अगर समझने का कंसेप्ट का। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, सपोज मोशन कर रहा है ऑब्जर्वर, बारिश स्टेप हो रही है आपकी, रेन रेन है, ऑब्जर्वर हमारा ये जा रहा है, जो आपको ऑब्जर्वर है इस बार वेलोसिटी है उसकी अपनी खुद की, मैंने कह लिया कि वो 30 मीटर पर सेकंड से चल गया है, ठीक है, और ट्रेन हो रही है वही 20 मीटर पर सेकंड से, रेन ये रेन है और ये हमारे पास क्या ऑब्जर्वर, ठीक है, मैन ऐसा है, तो कोई पर्सन है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें अगर हम, तो इस बार क्या हुआ, मैंने क्या बताया है कि जो रेन हो रही है वो तो हमारे पास स्टार्टिंग में लिखी रहेगी, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बाद में लिखा जाता है हमेशा, वी आर एम रेन और मैन में। तो क्या देख रहे हैं हम, जो वी जो वहाँ पर रेन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, और जो हमारे पास मैन है उसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। तो जो आदमी है कोई पर्सन है वो हमारे पास कहाँ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में यानी प्लस एक्स एक्सिस में, इसे तो जा रहा है हमारे पास ये, तो क्या है प्लस में, तो कंसेप्ट कौन सा होगा इसका, आई कैप काम करेगा। तो यहाँ कौन सी स्पीड आएगी मैन की, 30 आई कैप, और रेन वर्क भी माइनस में हो रही है जे कैप में, तो कितनी रहेगी माइनस का 20 जे कैप, तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे आ रहे हैं इसके, माइनस के ही हैं दोनों, ठीक है, जे वाला पार्टी माइनस का ही है और आई वाला पार्टी माइनस का है, यानी कि कहाँ आएंगे माइनस को माइनस वाले पार्ट, यहाँ आ जाएंगे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ होता माइनस प्लस, यहाँ होता प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ आ गए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ है, ठीक है, तो जो हमारे पास अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा वो कहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में आएगा अम्ब्रेला, कितना एंगल आएगा, अगर आपको एंगल फाइंड करना है
तो एंगल आप इस टाइप फाइंड कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, टेन थीटा हमें निकालना हो। देखिए 20 तो जे में जाना था हमें, तो 20 तो आया हमारे पास, 20 तो जे में गए थे, ठीक है 20, और 30 गए थे हम एक्स एक्सिस में, यानी कि 30 हम इस साइड गए। तो हमें रियल टाइम निकालना, रियल टाइम डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, हमको थीटा एंगल निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास, एंगल हमारा परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आई का कंपोनेंट यानी आई वाला पार्ट 30 माइनस का, और जे वाला माइनस का नहीं ले सकते, और जे वाला क्या कितना 20। तो ये रहेगा हमारे पास निकल के एंगल, यहाँ से आप एंगल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना है इसका कि आई का कोफिशियंट कितना है और जे का कोफिशियंट कितना है, ये फॉर्मूला बनना है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो यहाँ से आप एंगल निकाल लेंगे, तो इतने एंगल पर ही क्या होगा हमारे पास, ऊपर की ओर एक एंगल आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो आपको पता चल जाएगा कि अम्ब्रेला आपको कहाँ लगाना है, इस डायरेक्शन में एक्स और वाई वाले प्लेन में, यहाँ लगाना आपको अम्ब्रेला। मैंने आपको बताया है कि जो भी डायरेक्शन निकल कर आ रही है वेलोसिटी की, उसके अपोजिट में आना आपको अम्ब्रेला लेके, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, वो अम्ब्रेला लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसी कंसेप्ट पे हमारे पास वो क्वेश्चन है जो हमारे पास एनसीईआरटी का है, तो उसका देख लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। उसमें लिखा हुआ है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड दे रखी है उसकी, ठीक है, रेन की। तो रेन की स्पीड क्या दे रखी है, इसी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, रेन की स्पीड आर जी कितनी है 30, ठीक है, नीचे की ओर हो रही है, ठीक है। तो कितना है हमारे पास जे कैप माइनस में, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जे कैप। और जो एक हमारे पास ऑब्जर्वर है वो बाईसाइकिल से जा रहा है, ठीक है ना, वूमेन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हमारी, और स्पीड कितनी गिवन है उसकी, ये हमारे पास नॉर्थ टू साउथ है, तो इसको साउथ ये नॉर्थ हमारे पास ये रहे इस टाइप। तो ये टेन क्या रहेगा हमारे पास, ये टेन, तो ये इधर जा रहा है आई कैप में, तो कितना लगा हमारे पास आई कैप। तो ये दोनों स्पीड मिल गई हमें, रेन की भी मिल गई ये रही, और मैं जो वूमेन है उसकी मिल गई स्पीड हमें, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, यानी कि आर डब्ल्यू कह रहा हूँ वूमेन के लिए, इतना आ गया फॉर्मूला। तो आपको टेन थीटा फाइंड करना था क्वेश्चन में, टेन थीटा कितना रहेगा हमारे पास, वही आई का कोएफिशिएंट कितना है 10, जे का कोएफिशिएंट कितना है 30, तो कितना रहेगा आपका थीटा 10 इनवर्स 1/3, ये एंगल आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, जो साउथ है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट और साउथ के बीच में कितने एंगल पर थीटा इक्वल टू इतना, ये ऐसे कह सकते हैं आप कि एक्स और वाई एक्सिस में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा इस वूमेन को, ठीक है, तब वो बारिश से बच सकती है। आपने देखा कि हमेशा अम्ब्रेला कुछ को टेढ़ा करना पड़ता है अगर आराम चलता हुआ जा रहा है, कुछ को सीधा रखना पड़ता है, या अगर हमारे पास साइकिल पर जा रहे हैं तो अगर साइकिल आराम से चल रही है तो सीधा लगाना पड़ गया है, तेज चलाओगे थोड़ा मोड़ कर रखना पड़ेगा किसी एंगल पर, बाइक पर आओ तो और ज़्यादा कुछ सीधा करना पड़ेगा। तो सबका रीज़न कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे और कंसेप्ट को समझ लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।